हाय एवरीवन, तो कल हमने सॉल्व किए थे 5 क्वेश्चंस पॉलिटी में. अभी तक हमने 10 क्वेश्चंस पॉलिटी के सॉल्व कर लिए हैं. एंड कल हमने आपको बोला था कि आज हम स्टार्ट करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड. सो आज रिसर्च एप्टीट्यूड से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि इसके फीचर्स क्या हैं या फिर दूसरे वाले कॉन्सेप्ट के फीचर्स क्या हैं. तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, सेमिनार एंड सिंपोजियम का डिफरेंस. आप लोग काफ़ी कॉन्फ्रेंस में जाते होंगे, वर्कशॉप में जाते होंगे, सेमिनार्स में जाते होंगे, बट कभी आपने सोचा है कि इनमें क्या डिफरेंसेस हैं? जब आप कॉन्फ्रेंस में जाते हैं वहाँ जो हो रहा है, क्या वही चीज़ें सेम सेमिनार्स में हो रही हैं? अगर वो चीज़ें सेमिनार्स में नहीं हो रही हैं तो क्यों नहीं हो रही है? व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस? सो आज हम यही चीज़ें क्लियर करने वाले हैं कि कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, सिंपोजियम एंड वर्कशॉप में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, जो कि एग्ज़ाम्स में भी आते हैं. UGC NET एग्ज़ाम में इनके फीचर्स बहुत पूछे जाते हैं कि कन्वेंशन के क्या क्या फ़ीचर हैं, कॉन्फ्रेंसेस के क्या क्या फ़ीचर हैं, सिंपोजियम के क्या क्या फ़ीचर्स हैं, वर्कशॉप के क्या क्या अपने फ़ीचर्स हैं. तो आज हम इन चारों टॉपिक का डिस्कशन करेंगे. हम इनके डिफरेंस देखेंगे कि किसमें क्या क्या आता है. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. सो लेट्स स्टार्ट द 13-day रिविजन. सो ये हमारा जो टॉपिक है कॉन्फ्रेंस, सिंपोजियम, सेमिनार एंड वर्कशॉप का, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट पार्ट में वी विल बी एक्सप्लेनिंग यू दीज टॉपिक सेपरेटली. पहले हम सेपरेटली इनको पढ़ेंगे कि इनके क्या क्या मीनिंग्स हैं, इनके क्या क्या फीचर्स हैं, कॉन्फ्रेंस को क्या बोला जाता है, कॉन्फ्रेंस के फीचर्स क्या हैं, सेम फॉर सिंपोजियम, वर्कशॉप ऑन एंड सेमिनार. उसके बाद हम देखेंगे कि इनके क्या क्या डिफरेंसेज हैं एंड कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे एंड उनको हम ढंग से देखेंगे कि क्या क्या इनके. एंड सेकेंडली वी विल सी द डिफरेंसेज कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेज हैं, बिकॉज कई बार एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में भी आ जाता है एंड कई बार आपसे पूछा जाता है कि ये फीचर्स वर्कशॉप के हैं, सेमिनार के हैं, सिंपोजियम के हैं या फिर वर्कशॉप के हैं. सो वी विल स्टडी इन दो चीज़ों को अच्छे से. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट वन इज कॉन्फ्रेंस. सो फर्स्ट हमारा जो पहला है टॉपिक, दैट इज कॉन्फ्रेंस. सो कॉन्फ्रेंस का अगर हम देखें, सो ओरिजिनली कॉन्फ्रेंस को कैसे माना गया है, कैसे देखा जाता है, दैट इज फॉर्मल डिस्कशंस, फॉर्मल टॉक और स्पीक. जो कॉन्फ्रेंस का जो ओरिजिनल मीनिंग है, जो उसका देखा गया है हमेशा से, कि उसका मीनिंग जो माना गया है, दैट इज़ फॉर्मल डिस्कशन. व्हेन यू डिस्कस समथिंग फॉर्मली, जब कोई चीज़ को फॉर्मली डिस्कस किया जाता है, जब किसी चीज़ की बात करी जाती है एक फॉर्मल मैनर में, दैट्स व्हाट वी ऑलवेज कॉल्ड कॉन्फ्रेंस. एंड इफ यू सी विद टाइम क्या क्या चेंजेस आ गए हैं कॉन्फ्रेंस के मीनिंग में, क्या क्या चीज़ें और ऐड हो गई हैं, और जो कॉन्फ्रेंस की करंट डेफिनेशंस को, करंट फीचर्स को देखा जाए, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. इट इज़ अ फॉर्मल एंड लार्ज मीटिंग वेयर एक्सपर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स हैविंग अ शेयर्ड एंड कॉमन इंटरेस्ट कम टुगेदर एंड एक्सचेंज देयर इंफॉर्मेशन एंड व्यूज. तो पहला जो स्टेटमेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज़ द फंडामेंटल फीचर, इट इज़ द बेसिक फीचर जो पता होना ज़रूरी है फॉर दी कॉन्फ्रेंस, दैट ये एक फॉर्मल एंड लार्ज मीटिंग होती है, एक बहुत बड़ी मीटिंग, एक बहुत ही फॉर्मल मीटिंग जहाँ पर एक्सपर्ट्स आते हैं डिफरेंट फील्ड्स के. एक्सपर्ट्स हो सकते हैं वो बायोलॉजी फील्ड के, वो एक्सपर्ट हो सकते हैं पॉलिटिकल साइंस फील्ड के, वो एक्सपर्ट हो सकते हैं जर्नलिज्म के. सो हर फील्ड के एक्सपर्ट्स आते हैं एंड दे शेयर समथिंग, दे टॉक ऑन सर्टन आइडियाज़. वो बात करेंगे कुछ आइडियाज़ में, दे विल टॉक एंड दे विल शेयर देयर नॉलेज एंड दे विल कीप ऑन क्रिएटिंग समथिंग न्यू आइडियाज़. सो दिस इज़ कॉल्ड कॉन्फ्रेंस. कॉन्फ्रेंस में हर जगह के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो आते हैं एंड दे टॉक. यहाँ पर जो है मीटिंग्स जो होती हैं वो लार्ज होती हैं, बहुत बड़े लेवल पे मीटिंग्स होती हैं एंड बहुत ही फॉर्मल होती हैं. तो कॉन्फ्रेंस में क्या देखना है, यहाँ पर फॉर्मल है, लार्ज मीटिंग है, एक्सपर्ट्स आते हैं डिफरेंट फील्ड्स के, शेयर्ड एंड कॉमन इंटरेस्ट में बात होती है एंड नॉलेज में बात होती है, और कैसे एक्सचेंज होते हैं आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन, सब आपस में एक्सचेंज करते हैं. एंड सेकेंड ऑप्शन इज हेयर द मेजर पर्पज इज शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. इसका जो मेन पर्पज होता है कॉन्फ्रेंस का, दैट इज शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, शेयरिंग ऑफ आइडियाज, शेयरिंग ऑफ व्यूज. व्हेन द डेलीगेट्स, व्हेन द एक्सपर्ट्स टॉक, दे शेयर देयर व्यूज, दे शेयर देयर आइडियाज ऑन स्टेज. नाउ द थर्ड वन इज की नोट स्पीकर्स
एंड लार्ज नंबर ऑफ डेलीगेट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कॉन्फ्रेंस का कि जो की नोट कि जो स्पीकर्स होते हैं, जो डेलीगेट्स होते हैं, वो नेशनल एंड इंटरनेशनल भी होते हैं. वो आके प्लेटफॉर्म में बात करेंगे, वो दे कम एंड दे गिव स्पीचेस. सो यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो एक पॉइंट है कॉन्फ्रेंस का, दैट इज यहाँ पर डेलीगेट्स होते हैं, यहाँ पर एक्सपर्ट्स होते हैं डिफरेंट फील्ड के, जो कि स्टेज में जाके अपने व्यूज बताते हैं. दे कन्फ्रंट द ऑडियंस, दे टॉक, दे ट्राई टू इंटरैक्ट विद द ऑडियंस एंड वो अपने व्यूज रखते हैं उनके आगे. Now the fourth difference is it talks on current problems and specifics to provide a workable solution. अगर यहाँ पर देखा जाए fourth option में, तो conference में current problems में भी बात होती है and उस problem के solution को निकालने में भी बात करी जाती है. तो conference का जो fourth हमारा feature है, that is it talks about current problems also and it also focuses on resolving those problems. Now the fifth feature is it is pre-arranged. For example, consultation and discussion with delegates. अब अगर हमें अपनी conference में delegates बुलाने हैं, whether national or international, अब वो conference के time पे एकदम से तो नहीं arrange हो सकता, वो pre-planned होगा. It will be pre-planned when we will talk and consult the delegates पहले से, maybe before 1 month or 2 month. So यहाँ पर आ जाती है pre-planning. तो so प्री अरेंजमेंट आ जाती है यहाँ पर. सो दिस इज द पॉइंट. नाउ सिक्स वन इज मोर फोकस ऑन लेक्चर्स एंड प्रेजेंटेशंस, मोर प्रेस्टीजियस. अब ये बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है, जहाँ पर डेलीगेट्स आएंगे इंटरनेशनल नेशनल एंड दे विल टॉक एंड गिव स्पीचेस, दैट विल बी मोर प्रेस्टीजियस. सो कॉन्फ्रेंसेज आर प्रेस्टीजियस. प्लस यहाँ पर लेक्चर्स एंड प्रेजेंटेशंस में ज़्यादा फोकस किया जाता है, सिंस जहाँ पर डेलीगेट्स हैं, जहाँ पर स्पीकर्स हैं, ऑब्वियसली they will give lectures and they will give speeches and they will give the presentations also. Now the next point is it is both national and international largest events. 50 to 100 log attend karte hain. Ab large event hai, national hai, international hai, to ye obviously bahut log attend karenge. 50 to 100 people, 50 to 1000 people can attend this thing. Jaise ki hamari G20 G7 summits hoti hai, a lot of people attend those summits. So just like that, these are national and international. Now the eighth one is it take place in different fields such as sports conference, educational conference, trade conference. सबसे बड़ी चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ educational नहीं होता. Conferences are not only educational, इनकी fields अलग अलग होती हैं. Conferences हर जगह हो सकती है. They can be sports conference, they can be पेरेंट टीचर्स कॉन्फ्रेंस, दे कैन बी ट्रेड कॉन्फ्रेंस और एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस. ये कॉमर्स बैकग्राउंड में भी हो सकती है, साइंस बैकग्राउंड में भी हो सकती है, टेक्निकल कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है. सो कॉन्फ्रेंस का कोई एक स्पेसिफिक फील्ड नहीं है, इट कैन हैपन एनीवेयर. सो नाउ नाइन्थ पॉइंट इज मोर देन टू कॉन्फ्रेंस कैन बी हेल्ड इन डिफरेंट हॉल्स एट द सेम टाइम. मीनिंग इसका मीनिंग ये है कि एक कॉन्फ्रेंस अगर चल रही है तो उसके साथ साथ दूसरे हॉल्स में भी, दूसरे रूम्स में भी और कॉन्फ्रेंसेस हो सकती है डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में. अगर आप कह रहे हैं कॉन्फ्रेंस चल रही है, इट कैन ऑल्सो हैपन इन डिफरेंट डिफरेंट रूम्स. लाइक अगर एक हॉल में कॉन्फ्रेंस चल रही है बायोलॉजी की, दूसरे में चल सकती है केमिस्ट्री की, थर्ड में आ सकती है कोई टेक्निकल कॉन्फ्रेंस, समथिंग related to trade. So conferences can happen at different levels, at different halls at the same time. Now the 10th point is it can be more than 2 days. Conference 2 se 3 din, 2 to 3 days bhi chal sakti hai. It is not compulsory to have a conference only in 1 day. We can have a conference for 2 to 3 days also. Now the last point is it may or may not be academic, jo ki hum explain kar chuke hain. So this was about conference. Now the second one is symposium. तो symposium को अगर देखा जाए, symposium is also known for smaller conference. Symposium को smaller conference के नाम से भी जाना जाता है. और वो क्यों जाना जाता है? Because symposium and conference में बहुत similarities होती हैं, they are almost same. But we have to see the differences of these two, because question exam में आपको सिमिलैरिटीज के लिए नहीं आएगा. क्वेश्चन हमेशा स्पेसिफिकली फीचर्स में आता है हर किसी के. सो वी हैव टू नो द फीचर्स ऑफ ईच ऑफ देम स्पेसिफिकली. सो नाउ सिंपोजियम, अगर सिंपोजियम का हम देखें कि ओरिजिनेशन क्या है, सो इट वॉज ओरिजिनेटेड इन 16th century ग्रीक. ग्रीक में 16th century में सिंपोजियम वर्ड का ओरिजिनेशन हुआ था. दैट टाइम इट वॉज नोन एज
ड्रिंकिंग टुगेदर, सिंपोजियम का तो मीनिंग था ड्रिंकिंग टुगेदर, एंड उसके बाद जो चैट होती थी रिफ्रेशमेंट के साथ जो बातें होती थी, दैट वर कॉल्ड सिंपोजियम. सिंपोजियम में फॉर इंस्टेंस दे यूज टू टॉक एंड डिस्कस सोक्रेटिक आइडिया. सोक्रेटिस जो हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के बहुत बड़े थिंकर हैं, दे यूज टू डिस्कस हिज पोएम, डिस्कस हिज डायलॉग्स. सो दैट वॉज दी ओरिजिनल मीनिंग ऑफ सिंपोजियम, वैन पीपल यूज टू डिस्कस सच थिंग्स, वैन पीपल यूज टू हैव डिस्कशन विद द रिफ्रेशमेंट वाइल दे वर ड्रिंकिंग, दे वर हैविंग कॉफी, दे यूज टू डिस्कस सर्टेन आइडियाज. सो दिस वॉज लेस फॉर्मल. सो अगर हम इसको कंपेयर करें कॉन्फ्रेंस से, कॉन्फ्रेंस इज मच फॉर्मल. वहाँ पर आप जब कॉन्फ्रेंस के टाइम में यू कैनॉट हैव रिफ्रेशमेंट्स, यू कैनॉट हैव सच फ्रीडम, सच फ्लेक्सीबिलिटी, बट इन सिंपोजियम यू हैव सच फ्लेक्सीबिलिटीज. So now let's see the current definitions, current features of symposium. So symposium means it is tend to be similar to conference, but here the discussion is on particular one subject by the experts of that particular field or subject. सिंपोजियम को कॉन्फ्रेंस तो हमने बोल दिया है कि इनमें बहुत सिमिलैरिटीज हैं, इसको स्मॉलर कॉन्फ्रेंस भी बोला जाता है. बट द डिफरेंस इज इन सिंपोजियम वी टॉक अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक. यहाँ पर खाली एक टॉपिक को ही डिस्कस किया जाता है उसी टॉपिक के एक्सपर्ट्स के थ्रू. अगर फॉर इंस्टेंस इफ आई एम अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट एंड आई एम अटेंडिंग अ सिंपोजियम, सो दे विल बी एक्सपर्ट्स फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस फील्ड ओनली हु विल डिस्कस दीज थिंग्स इन अ लेस फॉर्मल मैनर, जो कि कॉन्फ्रेंस में होता है ज़्यादा फॉर्मल में, और यहाँ थोड़ा लेस फॉर्मल होगा बिकॉज एक्सपर्ट्स आर डिस्कसिंग विद इन देमसेल्व्स. सो यहाँ पर जो मेन डिफरेंस आता है दैट इज यहाँ पर हमेशा पर्टिकुलर वन सब्जेक्ट की ही बात होती है एक्सपर्ट्स के थ्रू, और वो एक्सपर्ट्स कौन से होंगे, उसी फील्ड के होंगे जो टॉपिक चल रहा है. एंड हमने कॉन्फ्रेंस में क्या पढ़ा था, कॉन्फ्रेंस में मल्टीपल एक्सपर्ट्स फ्रॉम मल्टीपल फील्ड्स कैन पार्टिसिपेट, बट इन सिंपोजियम दोज एक्सपर्ट्स कैन पार्टिसिपेट जो कि उस स्पेसिफिक टॉपिक में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहाँ पर सिंपोजियम ऑन ट्रेड, अगर हम सिंपोजियम कर रहे हैं ट्रेड में, सो ट्रेड टॉपिक से रिलेटेड जो जो एक्सपर्ट्स होंगे ओनली दे कैन पार्टिसिपेट. पीपल फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, पीपल फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स लाइक पॉलिटिकल साइंस, फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस, दे कैन नॉट पार्टिसिपेट, बट ओनली दोज कैन पार्टिसिपेट हु आर रिलेटेड टू ट्रेड. सो नाउ द सेकेंड पॉइंट इज इट कवर्स वन टॉपिक, जो कि हमने एक्सप्लेन कर दिया है. थर्डली वन फील्ड एक्सपर्ट सिंगल एस्पेक्ट ऑफ टॉपिक, ये भी हमने एक्सप्लेन कर दिया है. फोर्थ वन इज फोकस ऑन प्रेजेंटेशन एंड लेक्चर, जस्ट लाइक कॉन्फ्रेंस यहाँ भी फोकस रहता है प्रेजेंटेशन एंड लेक्चर, बट दिस इज लेस फॉर्मल देन कॉन्फ्रेंस. वाई? बिकॉज यहाँ पर एक्सपर्ट्स कैन हैव अ ग्रुप डिस्कशन, एक्सपर्ट्स कैन टॉक एंड डिस्कस अबाउट द आइडियाज विद इन देमसेल्व्स ऑल्सो. देन कम्स प्रेस्टिजियस गैदरिंग, प्रेस्टिजियस गैदरिंग लाइक कॉन्फ्रेंस, बट यहाँ पर वेन्यू स्मॉल हो जाता है बिकॉज यहाँ पर जो लोग अटेंड करते हैं, जो ऑडियंस होती है, उसका साइज काफ़ी छोटा होता है एज कम्पेयर टू कॉन्फ्रेंस, तो यहाँ पर वेन्यू स्मॉल हो जाएगा. देन कम्स नो डेलीगेट्स रिक्वायर्ड, इट कम्प्लीट्स इन सिंगल डे एज कम्पेयर टू कॉन्फ्रेंस जहाँ पर डेलीगेट्स आते हैं नेशनल इंटरनेशनल. यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट्स होंगे वही होते हैं, और ये जो है सिंपोजियम एक दिन में भी ख़त्म हो जाता है. यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सेशन भी होता है. सो दिस वॉज सिंपोजियम. नाउ द थर्ड वन इज सेमिनार. सो सेमिनार देखा जाए तो इससे हम काफ़ी रिलेट कर सकते हैं बिकॉज ये मोस्टली यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लेवल में होता है, एंड ये होता है एजुकेशनल एंड अकेडमिक. सेमिनार से हम लोग काफ़ी रिलेट कर सकते हैं, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ पार्ट ऑफ अ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, हम लोगों ने सेमिनार्स काफ़ी देखे होते हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव अ सेमिनार ऑन अम्बेडकर और महात्मा गांधी, सो ये चीज़ें आती हैं इन एजुकेशन. सो यहाँ पर अगर इसके सेमिनार के फीचर्स देखे जाएँ, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, इट इज़ एन एजुकेशनल गैदरिंग. ये एक एजुकेशनल गैदरिंग का पार्ट है वेयर मैटर्स रिलेटेड टू सब्जेक्ट नॉलेज आर डिस्कस्ड एंड एक्सचेंज. जहाँ पर सब्जेक्ट रिलेटेड, जहाँ पर नॉलेज रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, जहाँ पर लेक्चर्स मिलते हैं एजुकेशन रिलेटेड, जहाँ पर गैदरिंग होती है एजुकेशन रिलेटेड, ये कम्प्लीटली अकेडमिक सेक्शन में आता है. सो सेमिनार्स जो हैं वो एजुकेशनल गैदरिंग्स होती हैं जहाँ पर डिस्कशंस होते हैं सब्जेक्ट रिलेटेड. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज मेनली ओरिएंटेड टुवर्ड्स एजुकेशन एंड अकेडमिक्स, 5 to 20 पीपल अटेंड. सो नाउ द सेकेंड
फीचर इज सेइंग द सेम थिंग, दैट इज यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड बात होती है, अकेडमिक से रिलेटेड बात होती है, और जो इसका वेन्यू होता है, जो इसमें ऑडियंस होती है, वो कम होती है एज कम्पेयर टू कॉन्फ्रेंस अगेन. Now the third point is topics are mainly from current and recent areas, multiple aspects of topic discussed. अगर ये देखा जाए ये point एकदम symposium के opposite है, क्योंकि यहाँ पर multiple aspects देखे जाते हैं topic के, यहाँ पर current and recent areas में पढ़ा जाता है, जबकि symposium में हम खाली एक ही aspect देखते हैं और हम उसी को discuss करते हैं. सो यहाँ फोर्थ पॉइंट है, इट इज़ ऑल्सो अ प्लेटफॉर्म टू टेस्ट न्यू आइडियाज़ एंड थियरीज. सेमिनार को ध्यान रखिएगा, जब भी कोई न्यू आइडिया, कोई न्यू थियरी को डिस्कस करना होता है, उसको अगर प्रपोज भी करना होता है, सेमिनार्स में ये बहुत किया जाता है, या एजुकेशनल फील्ड्स में जो अकेडमिक्स हैं वहाँ पर सेमिनार्स को इसलिए भी बहुत यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ समबडी वॉन्ट्स टू लॉन्च देयर बुक, इफ समबडी वॉन्ट्स टू बेसिकली प्रेजेंट देयर पेपर, और इफ समबडी वॉन्ट्स टू टॉक अबाउट अ सर्टेन न्यू आइडिया, सेमिनार्स आर जनरली यूज फॉर दीज थिंग्स. नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज द मेन पर्पज इज लर्निंग थ्रू लेक्चर्स एंड ग्रुप डिस्कशंस. जो मेन आइडिया है, मेन पर्पज है सेमिनार का, दैट इज डिस्कशन, लेक्चर्स, डेमॉन्स्ट्रेशंस. सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सेमिनार्स. Now the next point is, it is tend to be held on institutions or universities. मैंने आपको starting में ये चीज बता दी थी, seminars जो होते हैं वो mostly universities and institutions में ही होते हैं. Now the seventh point is discussions on the key features of seminars. Discussions जो हैं वो key features हैं seminars के, seminars में mostly discussions ही होते हैं. Now the eighth point is visual materials, interactive tools and demonstrations are used. Seminars में visual materials, demonstrations, interactive tools ज़्यादा use होते हैं, because seminars में बहुत, जहाँ पर discussion word आ गया है उससे हमें वहीं समझ आ जाता है कि यहाँ पर interaction काफ़ी होगा, और जहाँ interaction होगा वहाँ पर interaction tools की ज़रूरत पड़ेगी. तो वहाँ पर interactive tools, visual materials को बहुत use किया जाता है, so that discussion और भी ज़्यादा effective हो. Then comes practice or laboratory work is not required. अब इसका आंसर आपको फोर्थ पॉइंट में मिलेगा, फोर्थ टॉपिक में मिलेगा कि कहाँ पर ये चीज़ें यूज होती हैं. नाइन्थ पॉइंट की, टेंथ वन इज shorter, 2 to 3 hours. सेमिनार्स मोस्टली एक ही दिन होता है और वो भी 2 से 3 घंटे में ख़त्म कर दिया जाता है. सो दिस वॉज अबाउट सेमिनार. Now the fourth one is workshops. Workshops बहुत ही direct आता है, इसका meaning बहुत ही direct है. Workshop में आपको याद रखना है जो चीज़ें, जो lectures की बात होती है, जो चीज़ें हम सुनते हैं, we discuss, we get demonstrated by others, उनको practice में करना, उनको practically करना, उनको laboratory में जाके test करना, that is called workshop. तो यहाँ पर अगर देखा जाए, इट इंक्लूड्स मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेमिनार्स, बट द मेजर फीचर विच डिफ्रेंशिएट्स देम इज इन वर्कशॉप यू हैव हैंड ऑन प्रैक्टिस. आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस में देखते हैं, वेदर दे आर एक्चुअली अप्लाइड और नॉट. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस ऑफ वर्कशॉप एंड सेमिनार. वर्कशॉप में हम उसको प्रैक्टिकली देखते हैं, अपने स्किल्स को देखते हैं कि ये सच में है या नहीं है, ये इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है, जो हमने सुना है लेक्चर में अगर उसको हम अप्लाई करें वो चीज़ हो रही है या नहीं हो रही है. सो ऑल लेबोरेटरी वर्क विच मीन्स प्रैक्टिसिंग द कॉन्सेप्ट दैट वॉज टॉट इन लेक्चर्स. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेन वी प्रैक्टिस द कॉन्सेप्ट दैट वॉज टॉट इन द लेक्चर. अगर हमने कोई लेक्चर अटेंड किया है उसका हमें प्रैक्टिकली देखना है कि ये होता है या नहीं होता है. इफ़ यू वॉन्ट टू सी समथिंग प्रैक्टिकली, दैट वी विल डू इन वर्कशॉप, प्रैक्टिसिंग रादर देन जस्ट लर्निंग. सो वर्कशॉप में मोस्टली हम क्या करते हैं, वी प्रैक्टिस रादर देन लर्निंग. सिर्फ लर्न करना ही नहीं, उसको प्रैक्टिस भी करना जरूरी है इन वर्कशॉप. इट इज़ मोर डाइवर्स देन सेमिनार्स बिकॉज हेयर पीपल फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कम एंड पार्टिसिपेट. ये ज़्यादा डाइवर्स है सेमिनार से, बिकॉज सेमिनार में जनरली अगर एक टॉपिक चूज हुआ है उसी के टॉपिक के आसपास के जो लोग होंगे दे विल ट्राई टू डिस्कस. बट इन वर्कशॉप पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, फ्रॉम डिफरेंट फील्ड, दे कम एंड पार्टिसिपेट, दे ट्राई टू सी देयर स्किल्स. Now, non-academic people are also there, such as journalist, business type. तो यहाँ पर जो non-academic type के लोग हैं वो भी आके अपने skill को test करते हैं.
एंड द फिफ्थ वन इज इट इज़ एक्शन ओरिएंटेड. अब जहाँ पर प्रैक्टिस की बात हो रही है, जहाँ पर बात हो रही है अपने स्किल को टेस्ट करने की, जहाँ पर लेबोरेटरी वर्क की बात हो रही है, जाहिर सी बात है वो जगह एक्शन ओरिएंटेड होगी ही होगी. लर्निंग ऑफ न्यू स्किल्स भी होता है मोर फॉर्मल देन सेमिनार्स. इट इज़ मोर फॉर्मल. अब जहाँ पर लेबोरेटरी की बात आ जाती है, प्रॉपर टेस्टिंग की बात होती है, वहाँ पर कुछ प्रोसीजर्स होंगे तो वो फॉर्मल भी माना जाएगा. सो इट इज़ मोर फॉर्मल देन इट कैन बी वन और टू डेज लॉन्ग. वर्कशॉप्स 1 से 2 दिन लॉन्ग भी हो सकते हैं. सो दीज वर द 4 टॉपिक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर UGC NTA नेट एग्जाम. एंड नाउ वी विल सी द डिफरेंसेज, बिकॉज कई बार क्वेश्चन डिफरेंसेज में भी आ सकता है. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेज ऑफ दीज 4 मेजर टॉपिक्स आर, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट सी द फर्स्ट डिफरेंस, कॉन्फ्रेंस, सिंपोजियम, सेमिनार, वर्कशॉप. सो फर्स्ट डिफरेंस इज, सो द मेन डिफरेंस इज ऑन द पर्पसेस, कि इन चारों के पर्पसेस क्या हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट सी द कॉन्फ्रेंस. सो द मेन पर्पस ऑफ कॉन्फ्रेंस इज शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सॉल्विंग इश्यूज. इंफॉर्मेशन को शेयर करना एंड जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करना. बट ये चीज़ें कौन करेगा? यहाँ पर एक्सपर्ट्स एंड डेलीगेट्स आ जाते हैं जो कि स्पीच देंगे, अपने व्यूज बताएंगे. दे हैव द प्लेटफॉर्म, दे विल स्पीक, दे विल गिव देयर व्यूज ऑन स्पेसिफिक इशूज. देर आर स्पीकर्स ऑल्सो. सो ये लोग अपने इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे एंड दे विल गिव द व्यूज. और यहाँ पर सिंपोजियम में मेन पर्पस होगा टॉक एंड डिस्कशन ऑन वन टॉपिक. यहाँ पर वन टॉपिक में डिस्कशन होता है बाई द एक्सपर्ट्स ऑफ द सेम टॉपिक. नाउ सेमिनार में जो मेन पर्पस होता है दैट इज डिस्कशन. यहाँ पर डिस्कशन में मेन फोकस रहता है. देन कम्स वर्कशॉप. सो वर्कशॉप में मेन फोकस क्या होगा? हैंड ऑन प्रैक्टिस, दैट वी विल प्रैक्टिस द थिंग्स दैट वी हैव स्टडीड, वी हैव लर्नड. नाउ द सेकेंड डिफरेंस इज लार्ज इवेंट, स्मॉल इवेंट, स्मॉल इवेंट, हैंड्स ऑन. विच मीन्स कॉन्फ्रेंस जो होता है वो लार्ज इवेंट्स होगा, नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों होता है. लार्ज नंबर ऑफ डेलीगेट्स कम, नंबर ऑफ स्पीकर्स दे टॉक, बहुत सारे स्पीकर्स बात करते हैं, डेलीगेट्स बात करते हैं. बहुत दिनों तक कॉन्फ्रेंस चल सकता है, बहुत हॉल्स में भी चलता है. सो दिस विल बी लार्ज इवेंट. वेर एज सिंपोजियम एज कम्पेयर टू कॉन्फ्रेंस इज स्मॉल इवेंट, सेम एज सेमिनार एंड वर्कशॉप. देन कम्स टू मैनी डेलीगेट्स. कॉन्फ्रेंस में होते हैं बहुत सारे डेलीगेट्स, क्योंकि ये नेशनल एंड इंटरनेशनल है, इसमें हर जगह से डेलीगेट्स बुलाए जाते हैं, एक्सपर्ट्स आते हैं फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स. वेर एज इन सिंपोजियम लेस और नो डेलीगेट्स, सेमिनार में नो डेलीगेट्स, वर्कशॉप में नो डेलीगेट्स. देन कम्स एक्सपर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स इन कॉन्फ्रेंस. कॉन्फ्रेंस में हमेशा एक्सपर्ट्स डिफरेंट फील्ड्स के आते हैं, हु शेयर द सेम आइडियाज, हु टॉक ऑन डिफरेंट आइडियाज एंड हु गिव नॉलेज अबाउट डिफरेंट फील्ड्स टू द पीपल, टू द ऑडियंस. देन कम्स सिंपोजियम. सिंपोजियम में होता है एक्सपर्ट्स जो होंगे वो एक स्पेसिफिक फील्ड में होंगे. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेड, सो द एक्सपर्ट्स विल बी फ्रॉम ट्रेड बैकग्राउंड, ना कि पॉलिटिकल साइंस के या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस के. वहाँ पर जो एक्सपर्ट्स होंगे वो भी ट्रेड के बैकग्राउंड के ही होंगे. देन कम सेमिनार. सेमिनार में जो फोकस रहेगा लेक्चर्स एंड ग्रुप डिस्कशन में रहेगा, दैट पीपल विल कम टुगेदर एंड दे विल डिस्कस ऑन सर्टन आइडियाज दैट इज रिलेटेड टू एजुकेशन. देन कम्स वर्कशॉप. वर्कशॉप में लेबोरेटरी एंड प्रैक्टिसिंग पीपल ही ज़्यादा होते हैं. वही लोग होंगे जो अपनी थियोरीज को, अपने सुने हुए लेक्चर्स को प्रैक्टिस में देख रहे होंगे, अपने स्किल्स को देख रहे होंगे, हाउ मच दे हैव इंक्रीज्ड इन रियलिटी. देन द फिफ्थ पॉइंट इज वेदर इट इज अकेडमिक और नॉट अकेडमिक. सो कॉन्फ्रेंसेस कैन बी अकेडमिक एंड कैन नॉट बी अकेडमिक. सिंपोजियम भी अकेडमिक एंड कैन नॉट बी अकेडमिक हो सकता है. सिंपोजियम भी कैन एंड कैन नॉट बी अकेडमिक हो सकता है, बट स्पेसिफिक होगा. सेमिनार जो है वो अकेडमिक ही होता है एंड एजुकेशनल होता है. देन कम्स वर्कशॉप. वर्कशॉप कैन बी अकेडमिक एंड नॉन अकेडमिक. नाउ द लास्ट डिफरेंस इज कॉन्फ्रेंस में लार्ज डिस्कशंस होते हैं. एज आई टोल्ड यू, बहुत सारी कॉन्फ्रेंस होती हैं, नंबर ऑफ डेज चलती हैं,
बहुत डेलीगेट्स होते हैं तो लार्ज डिस्कशंस होंगे, सिंपोजियम में टॉक ऑन वन इशू, हमेशा एक ही इशू में बात होती है, सेमिनार में हम नॉलेज गेन करते हैं, वी टॉक अबाउट एजुकेशनल आइडियाज, देन कम्स वर्कशॉप, वर्कशॉप इज अबाउट प्रैक्टिस. सो दीज आर द सिक्स मेजर डिफरेंसेज बिटवीन दीज फोर सब टॉपिक्स विच यू हैव टू रिमेंबर फॉर योर UGC NTA नेट एग्जाम. एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो, कन्वेंशन सबसे पहले आता है, सबसे ज़्यादा लार्ज इवेंट यही होता है, सबसे बड़ा, इसके बाद आता है कॉन्फ्रेंस, देन आता है हमारा सिम्पोजियम. तो ये आपको ऑर्डर याद ज़रूर रखना है. सो दीज आर द फोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच कम अंडर योर UGC NTA नेट एग्जाम. इनसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इनके फीचर्स का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ये फीचर वर्कशॉप का है या फिर सेमिनार का है, ये फीचर कॉन्फ्रेंस का है या फिर सिंपोजियम का है. कई बार मैच द फॉलोइंग में भी आ जाता है, एक लिस्ट में यहाँ इन चारों के नाम होंगे, दूसरी लिस्ट में इनके फीचर्स होंगे, एंड यू हैव टू मैच द फॉलोइंग. कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, वहाँ पर लिखा होगा शेयर इवेंट्स या फिर मल्टीपल एक्सपर्टीज, मल्टीपल जो एक्सपर्ट्स हैं वो किस में होते हैं, यहाँ पर आपको तब मैच करना होगा कॉन्फ्रेंस. अगर यहाँ पर लिस्ट टू में आता है हैंड्स ऑन प्रैक्टिस किस में होता है, देन यू हैव टू मार्क वर्कशॉप. सो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है. सो दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम रिसर्च एप्टीट्यूड, जो कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है. डू वॉच दिस वीडियो केयरफुली बिकॉज इससे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं. ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन अवर टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स, जहाँ पर हम डेली मॉक टेस्ट पेपर लेते हैं, एंड इनका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड ऑल्सो टू नो अबाउट कोर्सेज, टू नो अबाउट एग्जाम्स, यू कैन ऑलवेज क्लिक द लिंक जो कि आपकी स्क्रीन में राइट साइड में है. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू.